नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके DL.ED चौथे सेमेस्टर से। यहाँ पर जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अध्ययन। और अगर मैं बात करूँ आज आपके इस वीडियो में जो प्रकरण होगा वह है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। दोस्तों, जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें हमने देखा था पर्यावरण को आप कैसे परिभाषित करते हो, किस प्रकार से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको आप कैसे परिभाषित करोगे, प्रदूषण एग्जैक्टली होता क्या है जब आप पॉल्यूशन के बारे में बात करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। एक सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप इसे UPTET, CTET या फिर TET एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हो। याद रखिएगा, आपका पेपर 2 में काफ़ी कुछ काम आता है, ये पूरा SST आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपका EVS का सेक्शन होता है, जब आप UPTET को लेकर के चलोगे तो ऐसे में वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप लोग UPTET 2019 के लिए प्लस वाली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस रेफरल कोड को यूज़ करके स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए मुझे अनअकैडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर प्रदूषण का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो। हम देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में, वाटर पॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जब आप एक पारिस्थितिकी के निर्माण की बात करते हो, मतलब एक इकोलॉजी को लेकर के जब आप बात करते हो तो उसके निर्माण में जल जो है वो एक आधारभूत कारक है। वाटर कितना कुछ इंपॉर्टेंस अपनी रखता है, वो उसकी महत्ता कितनी होती है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपको मैं बता दूं, पृथ्वी के कुल जल का लगभग 93% जो है वो जल वो समुद्रों में पाया जाता है, जो कि खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। आप उसे पी नहीं सकते, बहुत सारा पानी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसे पी नहीं सकते। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात मैं और बता दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जल का केवल कुछ प्रतिशत ही भाग जो है वो स्वच्छ रूप में, नदियों की बात की जाए, तालाबों की बात की जाए, यहाँ पर वो देखने को मिलता है या पाया जाता है। जीव जंतुओं हो गए, वनस्पतियाँ यानी कि फौना एंड फ्लोरा, अगर आप इनकी बात करते हो तो अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति इन्हीं जल के माध्यम से करते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है ना, उन्हीं जल से प्राप्त करते हैं। अब ये तो हो गई जल की बात, खाना पकाने को लेकर के, सफाई करने में, सिंचाई में, वृद्धि, बीजों के अंकुरण, इन सभी के लिए आप देखते हो जल की महत्ता होती है। प्रदूषण पर आते हैं, वाटर पॉल्यूशन पर। पानी में अवांछित और घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, अवांछित मतलब जिसे आप नहीं चाहते हो, वांछनीय वो चीज़ होती है जिसे आप चाह रहे होते हो, अवांछित मतलब जिसे आप नहीं चाह रहे होते हो, या फिर घातक तत्व अगर वाटर में मिल गए या उन्हें दूषित कर रहे होते हैं, ऐसे में पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता। कारण कुछ है यहाँ पर लिखे हुए। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं, मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई और सीवर का उचित प्रबंध ना होना, ये भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। आगे इसमें है, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे एवं गंदे पानी का नदियों या फिर नहरों में विसर्जन, मतलब वहाँ पर छोड़ना। आप देखते हो वो बड़ी बड़ी सिटी है, आप लखनऊ को ही लेकर के बात कर लो, जब आप एक लखनऊ एक सिटी के बारे में बात करते हो, आपकी यूपी की कैपिटल के बारे में जब आप बात करते हो, एक राजधानी आपकी जो है, यहाँ पर जब आप बात करोगे गोमती नदी के बारे में, तो वहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो नालियाँ हैं या छोटी छोटी जो नहरें हैं, वो जाकर के गोमती नदी को जो है प्रभावित कर रही होती हैं, वह उसके जल को जो है दूषित कर रही होती हैं। तो ये एक आप कह सकते हो जीवंत एग्जाम्पल है। ऐसे और भी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको जीवंत उदाहरण देखने को मिलेंगे। कृषि कार्यों में उपयोग में होने वाले जहरीले रसायनों और खादों का पानी में घुलना, आप कृषि के लिए जो खाद या रसायन का प्रयोग करते हो, कहीं ना कहीं वो पानी, जब आप उनमें पानी भरते हो या पानी बरसता है, तो वो उन्हीं पानी में मिल करके और जा करके नदियों से मिल जाते हैं या फिर नहरों से होकर के नदियों में मिल जाते हैं, और ऐसे में ये फिर से दूषित करते हैं जल को। नदियों में कूड़ा कचरा, मानव श्रम की बात हो गई, या पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री के समीप के जल स्रोत में विसर्जन, आप उसका जो है क्या करते हो, कहते ना पारंपरिक प्रथा है भाई, ये चल के नदी में फेंकेंगे, मूर्ति उठा ली लेकर के चले ट्रेन से जा रहे हैं, जो है गम से फेंक दिया उठा के जो है उसमें पानी में, है ना, कह रहे हाँ हमारे यहाँ परंपरा है और सारी चीज़ें हैं। आपको ये नहीं पता आप अपनी परंपरा निभा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, भावी पीढ़ी जो आने वाली है उसके लिए कितना कुछ आप जो है समस्याएं, खुद के लिए तो समस्या पैदा कर ही रहे हो, और भावी जो पीढ़ी जो संपोषणीय विकास की कहीं भी बात देखने को नहीं मिलती। ऐसे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है वो ना के बराबर फिर हो जाएगी, ठीक है, आप तो सोच ही नहीं रहे हो बिल्कुल से, है ना। तो ये चीज़ हो गई
गंदे नालों सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना, ये तो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट इसमें है ही, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है जल को प्रदूषित करने को लेकर के। प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बात करते हो ना कि रीज़न क्या है, तो उसमें नेचुरल सोर्सेज भी कुछ होते हैं। जैसे कभी कभी भूस्खलन के दौरान जो खनिज पदार्थ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधों की पत्तियां जल में मिल जाती हैं, इससे भी जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके लिए नदी को ले लो आप, जो है कुआं है, तालाब है, उनका जल जो है वो जिन स्थानों से बह करके आता है या इकट्ठा रहता है वहाँ की भूमि में, यदि खनिज की मात्रा अधिक है तो वह जल में मिल जाता है, ऐसे में भी वह नुकसानदेह होता है। ठीक है, देखिए ये समय मैं प्राकृतिक स्रोतों की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद जब मानवीय स्रोतों में, तो वाहित मल जिसे सीवेज बोलते हो, औद्योगिक अपशिष्ट या कचरा वो तो है ही है आपका, कृषि अपशिष्ट या कचरा जो बोलते हो, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, एग्रीकल्चरल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, घरेलू बहिष्राव मतलब खाना पका रहे हो, नहाने धोने सफाई कार्य में, घरों में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट है, राख हो गया, कुछ अपमार्जक पदार्थ हो गए, कुछ आपके कोयले के टुकड़े हैं, कागज़ कपड़े के टुकड़े हैं, सड़े गले सब्जी फल, ये सब क्या कर रहे हो आप, जो है आप फेंकते रहते हो और वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रही होती हैं उसी जल में जाकर के, और ऐसे में उसे दूषित कर रही होती हैं। चलिए तो इतनी बात हो गई। प्रभाव क्या होता है, इससे मनुष्य और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है, इससे टाइफाइड हो गया, पीलिया है, हैजा है, गैस्ट्रिक बीमारियाँ, ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इससे विभिन्न जीव और वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। आप जीवों की बात करो, यानी कि आप फौना की बात करो, या फिर आप फ्लोरा की बात करो, यानी वानस्पतिक जो प्रजातियां हैं, उन दोनों को, पेड़ पौधे तो आपके प्रभावित होंगे ही होंगे, आप भी प्रभावित होंगे साथ में। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि ज़मीन के पानी का, आपके भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। अब ऐसे में जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, एक तरीके से ऐसे तो जल बहुत है, आप मानते हो 71% लगभग है पूरे पृथ्वी की बात करते हो, है ना, लेकिन ऐसे में जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी होती जाती है। कुछ जल प्रदूषण के भी प्रकार हैं, भौतिक, रासायनिक, शारीरिक, जैविक प्रदूषण ऐसे उनको बोलते हैं, मतलब जब आप प्रकार के बारे में बात करते हो तो उनको भी बोल दिया। एक आपका भौतिक होता है, जैसे कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे गंध है, स्वाद है, उष्मीय गुणों का परिवर्तन होना, वो भौतिक प्रदूषण में आएगा। रासायनिक प्रदूषण में उद्योगों से निकले जो विभिन्न रसायन होते हैं, अगर वो मिल जा रहे हैं कहाँ, अगर जल में मिल जा रहे हैं तो वो चीज़ हो जाएगी। शारीरिक प्रदूषण में क्या होता है कि मनुष्य की क्रियाविधि को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषण जो होते हैं, मतलब आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको अगर प्रभावित कर रहे हैं। वहीं जैविक प्रदूषणों की जब बात होती है, जो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन है, जल में विभिन्न रोग जन्म जीवाणुओं के मिलने से उत्पन्न, इसको पैथोजेनिक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PATHOGENIC, पैथोजेनिक, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल शोधन के कुछ उपाय हैं, यहाँ पर प्रकृति में जल का शोधन ये भी हो सकता है भाई, ये भी है कि कैसे आप बचा सकते हो, तो प्रकृति में जल का शोधन हो जाएगा इसमें आपका। फिर उसके बाद जल में, जल का कृत्रिम शोधन भी होता है प्रकृति में, जैसे प्रकृति में जल का शोधन स्वतः या तनुकरण डायल्यूशन विधि होती है, फ्लोइंग करंट्स धारा प्रवाह के द्वारा हो जाता है, कभी कभी संतुलन से हो जाता है, कभी कभी सनलाइट के द्वारा हो जाता है। वह जब आप कृत्रिम शोधन की बात करते हो, तो जिससे उबालना हो गया, आप उबाल दीजिए, बॉइलिंग है ना, वो चीज़ निस्यंदन, फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, आप जब फिल्टर करोगे तो बैक्टीरिया अशुद्धियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं। क्लोरीनीकरण, जब आप क्लोरीनेशन की बात करते हो, तो जल में क्लोरीन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणु नहीं पनप पाते हैं, सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट COCl2 करके बोलते हो, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है आपका, ये सारी चीज़ें जल शोधन में प्रयोग में आती हैं। द्वितीयक या तृतीयक उपचार में आपका कई सारे उसमें भी चीज़ें आएंगी आपका, तृतीयक उपचार, जैसे आपका द्वितीयक उपचार में क्या कुछ होता है मैं बता रहा हूँ, कि जैविक क्रिया के माध्यम से एक कुछ बायोटिक प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल बायोटिक प्रोसेसेस होते हैं कुछ, उसके माध्यम से 30-40% तक जल का शुद्धिकरण हो सकता है। तृतीयक उपचार में क्या है, 90% शुद्ध जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट की अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें क्लोरीनीकरण के द्वारा, नाइट्रेट और फॉस्फेट की जब बात होती है, नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है, उनकी अशुद्धियाँ जो है यहाँ से दूर की जा रही होती हैं। चलिए जी, भूमि प्रदूषण की यहाँ पर बात कर लेते हैं। भूमि प्रदूषण जमीन पर जहरीले अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों की भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही भी एक इसका कारण हो सकता है आपका। कारण क्या है, देखिए जरा, उर्वरक हो गए, रसायन है, कीटनाशक हैं,
इनका अधिकाधिक प्रयोग। औद्योगिक इकाइयाँ हैं आपकी, खाने हैं, खदानें हैं, इनसे निकले जो ठोस कचरे विसर्जन उनका विसर्जन जो हो रहा होता है, भवन हैं, सड़क हैं आदि के निर्माण, ठोस कचरे का विसर्जन, कागज़ चीनी मिल से जो निकले पदार्थ हैं उनका निपटान, मतलब होता नहीं है कि चलो निपटारा कर देते हैं, इनको पाट देते हैं ले जा करके वहाँ पर, है ना, एकत्रित कर देते हैं, वो भी चीज़ें इसमें आएंगी। प्लास्टिक थैलियाँ हो गई, उनका उपयोग जमीन में दबकर जो गलती नहीं है, ऐसे में वो मृदा प्रदूषण को जन्म दे रही होती हैं। घर होटल हो गया वहाँ पर, औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो निकले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, प्लास्टिक कपड़े लकड़ी धातु कांच, ये सारी चीज़ें जाकर के वहाँ पर मिल जाती हैं। भूमि प्रदूषण के कुछ प्रभाव हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूस्खलन में होने वाली हानियाँ, जलवायु प्रदूषण में वृद्धि भी इनसे हो सकती है, कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी और बाकी कुछ और भी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रदूषक लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है ये, प्रदूषक और उसका प्रभाव क्या होता है। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप एक बार नज़र डाल लीजिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उससे क्या होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर के विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि अनेक व्याधियां पैदा करता है। बहुत आयत बार पेपर में आया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, कहते हैं ना ब्लड में जो है जाकर के मिल जाता है। क्लोरीन से क्या होता है, धूलकण हो गए, लेड गढ़ है, मैग्नीज गढ़ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या कुछ है, लकवा वगैरह मार जाता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, फाजीन करके है बहुत ही खतरनाक, पारे की वाष्प हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी कारण। इस पर आप नज़र एक बार डाल लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। आप इसकी इसका आप स्क्रीनशॉट लें जो भी करें, लेकिन आप इसे खुद से नोट्स में अपने बना करके लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था। चलिए जी, इतनी बातें थी आपके पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा उसे हम लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हो, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प होती रहे। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।